जिस सवाल का जवाब भारत के सभी क्रिकेट फैंस ढूंढ रहे थे, आखिरकार वो जवाब मिल ही गया। जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार सबको था, आखिर वो कॉन्फ्रेंस हो गई। दरअसल जब से श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की अनाउंसमेंट हुई थी और पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव को T20 की कप्तानी सौंपी गई, तब से चारों ओर यही सवाल गूंज रहा था, आखिर क्यों। लेकिन अब जवाब सामने आ चुका है, तो आइए आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ कहा है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पोस्ट में, मैं आपके साथ सुना। इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर पहली बार मीडिया के सामने आए, तो उन्हें बड़े बड़े बाउंसरों का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया? सूर्य कुमार यादव क्यों T20 के कप्तान बने? संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा को क्यों बाहर हुए? ऐसी लिस्ट बड़ी है। हालांकि यहां हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बड़ी चतुराई से हर सवाल का जवाब दिया। दोनों ने सूर्य कुमार को कप्तानी सौंपने पर कहा कि हम चाहते थे कि कप्तान ऐसा बने जिसे फिटनेस की कोई समस्या नहीं हो, वो ज्यादा से ज्यादा मैच खेल सके, और यही वजह है कि सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया। अजीत अगरकर ने कहा, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया क्योंकि वो योग्य उम्मीदवारों में से एक थे, वो सर्वश्रेष्ठ T20I के बल्लेबाजों में से एक हैं। हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन प्लेयर हैं, हमें उनकी जरूरत है, लेकिन उनकी फिटनेस उनके लिए एक चुनौती रही है। तो देखा जाए तो इससे साफ हो जाता है कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी ना देने की वजह उनकी फिटनेस बताई जा रही है। वही अभिषेक शर्मा और ऋतुराज क्यों ड्रॉप हुए, इसकी वजह भी बताई गई। अजीत अगरकर ने कहा कि देखिए, हर किसी को हम टीम में नहीं ले सकते हैं, 15 प्लेयर्स की टीम को हम बैलेंस करना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि उन्हें मौका नहीं मिलेगा। कोई जिम्बाब्वे गया और अच्छे फॉर्म में है तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब पुराने प्लेयर्स वापस आते हैं तो कुछ को बाहर रहना होता है। रिंकू सिंह को ही देख लीजिए, वो फॉर्म में थे लेकिन इसके बावजूद वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। इसके बाद अजीत अगरकर ने शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने पर भी बात कही कि वो 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, कुछ बड़े खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो वो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, उन्होंने अच्छे नेतृत्व गुण दिखाए हैं और वो सूर्य और रोहित से सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने सभी मुद्दों पर अपनी बात कही। तो हमारा भी एक सवाल है आप लोगों से कि वाकई में क्या हार्दिक पांडे को कप्तान ना बनाने की जो वजह बताई गई है वो जस्टिफाइड है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोर्ट।